पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर साखी प्रकरण में कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। कबीर साहब कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे दरवाजे पर राम जी खड़े हैं। द्वारे तेरे राम जी, तेरे दरवाजे पर दूर से आकर के राम जी खड़े, और वो कहते हैं आकर के तुम लोग मुझसे मिल लो। तो अंदर वालों ने कहा कि महाराज, पता नहीं कहां से आप आए हैं, कितनी दूर से आए, तो थोड़ा कष्ट और उठाइए, अंदर चले आइए। राम जी ने कहा, तय तो सब में मिल रहा, तू तो सब में मिल रहा है, इसलिए मैं न मिलूंगा तो मैं तुमको नहीं मिलूंगा। राम जी साकेत लोक में रहते हैं सगुण उपासकों के ख्याल से, और साकेत लोक बहुत दूर है, पता नहीं कितनी दूर है, और वहां से यहां आए, आपके दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूं, मिल लो। अब आप इतने आलसी, इतने अहंकारी, आप कहते हो महाराज साकेत लोक से आए, करोड़ों कोस से दूर, तब तो 10 कदम है, अंदर आ जाओ, इतने लापरवाह। तो राम जी ने कहा, भाई मैं इतना कष्ट सह के आया, मैं सोचा तुमसे मिल लूं तो तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए, मैं करोड़ों किलोमीटर से आया हूं और तुम 10 कदम नहीं आ सकते हो, और कहते हो आकर के अंदर में मिलो, तो मैं नहीं मिलूंगा। ये अलंकारों में कथन है। राम किसी बाहर लोक में नहीं है, सबके दिल में है। जिस राम को कबीर कहते हैं वह राम सबका अंतरात्मा है, और जो सगुण उपासना मानते हैं अंत में वो भी यही कहते हैं। साकेत लोक बाहर नहीं, हृदय ही साकेत लोक है, हृदय ही शिव लोक है, हृदय ही ब्रह्म लोक है, हृदय ही गोलोक है, जन्नत और स्वर्ग हृदय ही में, बाहर नहीं। वेद का मंत्र मुझे याद आया, अष्टाचक्रा नौ द्वारा देवा नाम पूर योद्ध्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो सावृता, 8 चक्र 9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है, उसमें सोने का खजाना है। जो उसे समझ लेता है स्वर्ग पा जाता है, वो ज्योति से आवृत जगमगा रहा है। इतने अलंकारों में वेद के ऋषि ने कहा। अयोध्या शब्द चारों वेदों में मुझे यही मिला है, लेकिन मैं गारंटेड नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वेद के मंत्र मंत्र पर इतना ध्यान दे पाया हूं कि कहीं अयोध्या और न हो, ये कैसे कहूं, वेद बहुत विस्तृत है। लेकिन जहां तक मुझे अंदाज है, अयोध्या शब्द यही है, यथर्व वेद में आता है, मैंने अपने वेद में लिखा भी है, जो मेरा लिखा हुआ वेद क्या कहते हैं पुस्तक है, और उसका 3रा संस्करण छप गया है। अष्टाचक्रा नौ द्वारा 8 चक्र शरीर में माना है, यह बहुत पुरानी मान्यता है। टट्टी की जगह से खोपड़ी तक मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहसार, सुरत कमल। सुरत कमल खोपड़ी में है, और मूलाधार टट्टी की जगह में है, और बाकी 6 बीच में माने गए हैं। सब काल्पनिक है, लेकिन ये कल्पना बहुत पुरानी है। 8 चक्रों वाला और 9 द्वारा, 2 आंख 2 नाक 2 कान, टट्टी पेशाब की जगह और मुख, ये 9 द्वार।
अष्टाचक्र नौ द्वारा देवानाम पूरी योद्ध्या, देवताओं की अयोध्या पूरी शरीर है। देवता कौन है? मन इंद्रिया। ये मैं अपने अपनी कल्पना से नहीं कहता हूँ, वैदिक प्रमाण से कहता हूँ। वेदों में, वेदों के अनुसार ब्रह्मांड के देवता हवा, पानी, आग, सूरज, चांद, सितारे, ये सब देवता हैं। और पिंड के देवता इंद्रियां और मन है, ये वैदिक परिपाटी है। और उस परिपाटी का प्रभाव पूरे भारतवर्ष के धर्म ग्रंथों में आया है। शरीर रूपी अयोध्या के जो देवता हैं वे इंद्रिय और मन है। देवानाम पुर्योध्या, अष्टाचक्र नौ द्वारा देवानाम पुर्योध्या, आठ चक्रों नौ द्वारों वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। तस्याम उसमें हृदय कोश सोने का खजाना है। और सोने का खजाना क्या है? ये आत्मा, जिसको सदगुरु ने अंतर ज्योति कहा है। तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योति सावृता है। इसी में स्वर्ग है, वही स्वर्ग है जो ज्योति से आवृत है। स्वर्ग लोग आकाश में मानते हैं। स्वर्ग का अर्थ होता है अपने में लौट आना। स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग का हम पदच्छेद करें तो हो जाएगा स्वर्ग। स्वनाम खुद में, गानाम गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। अपने आत्मा में तृप्त हो जाना, आत्मलीन हो जाना स्वर्ग है। वैकुंठ ही, वैकुंठ, विकुंठ, वैकुंठ का शुद्ध शब्द है विकुंठ। वि नहीं, कुंठ, कुंठा, ग्रंथ, कॉम्प्लेक्सेस। जिसके मन में कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ग्रंथियां नहीं है, विकार नहीं है, वासना नहीं है, उद्वेग नहीं है, वो वैकुंठ वास करता है सब समय। नींद खुले और मन में कोई झटका ना हो, तनाव ना हो, किसी से कोई तनाव ना हो। संसार में सांप बिच्छू मिलेंगे, बचा के चलना है। ये संसार ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं वहां बिल्कुल सब निर्मल रहे। इतिहास उठा के देखिए, बड़े बड़े संतों का उस जमाने में भी ऊट पटांग, ऊंच नीच सब रहा, खुराफाती लोग रहे, धार्मिक कहलाने वालों में खुराफाती रहे, साधु वेशधारियों में खुराफाती रहे, और अच्छे लोग रहे, सब जमाने में रहे। इसलिए बचा बचा के चलना है। और ये समझना है कि जितना भी संबंध है सब झूठा है। संबंध और वार्ता अगले क्षण दोनों समाप्त। हम चार लोग इकट्ठे हुए, संबंध हो गया, फिर वार्ता हुई, कुछ बात किए, उसके बाद दोनों खत्म। और उस वार्ता के असर को लेकर के हमारा दिमाग अच्छा हुआ और खराब हुआ। अच्छी वार्ता हुई तो मन में सुगंधी रही, बुरी वार्ता हुई तो मन में क्लेश रहा। न वार्ता रहती है न संबंध रहता है, सारा संबंध देखते देखते विलुप्त होता जाता है। स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत सब अपने अंदर है। द्वारे तेरे राम जी, साहब कहते हैं, ऐ मनुष्य तेरे दरवाजे पर राम जी खड़े हैं। और कहते आकर के मिल लो, लेकिन आदमी कहता है कि महाराज अंदर आ जाओ, बहुत दूर से आए हो, थोड़ा और आ जाओ, स्वयं उठना नहीं चाहता है। तो राम जी ने कहा, तय तो सब में मिल रहा, तू सब में मिला हुआ है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, अब जा रहा हूं। जो सब में मिलता उससे राम नहीं मिलता है, जो सबसे अपने को अलग कर लेता है उससे राम जी मिलते हैं।
भक्ति द्वारा सांकरा राई दसमी भाए, मन तो मैगल हो रहा कैसे आवे जाए, उसमें दो न समाए प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाए, शीस उतारे भूई दरे सो बैठे घर माए। ये खाला का घर नहीं है, खाला यहां गए खूब मस्त खाए पिए मटर गश्ती किए, ये प्रेम का घर है, इसमें सिर उतारना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। बिना समर्पण के, मैंने कल संध्या में कहा था, बिना समर्पण के पत्नी का संबंध मधुर नहीं रह सकता है। पत्नी एक दूसरे को समर्पित हो, वासना की दृष्टि से नहीं, सेवा की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, दोनों दोनों के सहयोगी हो। पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ कहता है, बिगड़ जाएगा। पिता पुत्र में विरोध है, बिगड़ जाएगा। गुरु शिष्य में मतभेद है, बिगड़ जाएगा। भाई भाई में, मित्र मित्र में मतभेद है, बिगड़ जाएगा। जरूरी है एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, समर्पित होना। बिना समर्पण के एक दुकान नहीं चल सकती। पार्टनरशिप में हम दुकान करते हैं, कारखाने खोलते हैं, संबंध करते हैं, उसमें समर्पण की जरूरत होती है। अंतिम काम परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, जिसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं, उसकी प्राप्ति तब होगी जब फिर दूसरे से न मिले, केवल राम से मिलने की इच्छा हो। तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। रूपक में लगता है राम अलग है, जीव अलग है, राम आके खड़ा है, और जीव अहंकार बस मिलना नहीं चाहता है, रूपक में ऐसे लगता है। इसलिए सारे लक्षण तटस्थ होते हैं, ये वेदांत की भाषा में आता है। तटस्थ का मतलब उदासीन, निष्पक्ष, ये शाब्दिक दृष्टि से, और वेदांत की पारिभाषिक भाषा के अनुसार इसका अर्थ होता है नकली लक्षण, आरोपित लक्षण, जो स्थिर लक्षण न हो, नकली लक्षण, वो तटस्थ लक्षण वेदांत की दृष्टि से कहा जाता है। ये तटस्थ शब्द के भिन्न दो अर्थ। सामान्य रूप में व्याकरण की दृष्टि से तटस्थ का अर्थ है उदासीन, न राग है न द्वेष है, तटस्थ है। तटस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है तट के समाने सामने स्थित, तट पर स्थित, तट के सामने नहीं, तट पर स्थित। नदी बह रही है और तट है, तट पर बैठा है, नदी को केवल देखता है, धारा देखता है, तट पर बैठा है, तटस्थ, तट पर अस्त स्थित। और इसका भावार्थ हुआ उदासीन, तट पर बैठा व्यक्ति नदी की तरंग मालाओं को देखता है, बहता नहीं, केवल देखता है। इसी प्रकार जो व्यवहार को देखता है, बहता नहीं, वो तटस्थ है। ये शाब्दिक अर्थ से मैंने कहा, और वेदांत का लाक्षणिक अर्थ है नकली रूप, परिवर्तित रूप, जो बिल्कुल करेक्ट न हो, वो तटस्थ लक्षण है। जैसे तैतरीय उपनिषद में आया है, मोदा दक्षिण पक्ष, प्रमोदा उत्तर पक्ष, आनंदात्मा ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा। दहना बायां पंख है, बायां दहना मोद दायां पंख है, प्रमोद बायां पंख है, आनंद धड़ है, ब्रह्म पूंछ है। कबीर साहब ने फटकारा, सिर सींग कुछ नहीं बाकी, पूंछ कहाँ गए पाँव है, उसमें सिर नहीं है, सींग नहीं है, पूंछ कहाँ से आ गई। साहब तो तटस्थ लक्षण नहीं कहते, सीधा कहते हैं। वेदांती कहेंगे भाई ये तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, नकली लक्षण है, असली नहीं। कबीर साहब नकली कहते नहीं, सीधे असली कहते हैं। लेकिन रूपकों का वर्णन वे भी करते हैं, और रूपक में रूपक शब्द के कोई
अर्थ को करेगा वो इसे पकड़ के बैठ जाएगा तो सत्य नहीं समझ पाएगा। राम और आत्मा दो नहीं, राम आत्मा है, आत्मा राम है, और उसी को जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं। ये शब्दों की भिन्नता। राम आपके अंदर है, उससे मुलाकात इसलिए नहीं होती कि हम सबसे मिले, सबसे मिलना बंद करो तब राम से मिलना होगा। तो क्या व्यवहार में किसी से न मिले? एक बात मुझे याद आई जो मैं पहले कहना चाहता था, आप लोगों में से किसी को अमर्ष मुझसे नहीं होना चाहिए कि मेरा कुशल नहीं पूछे। जब मुझसे लोग मिलने जाते हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि मैं सबसे कुशल कैसे पूछ सकता हूं। और कोई भावुक मन साहब तो हमसे कुशले नहीं पूछे, तो ये अमर्ष न कीजिएगा। आप यहां आए हैं, धन्यवाद है, आए हैं, कुशल मंगल है, मेरा भी कुशल है, आपका कुशल है। कुशल है मन का शांत रहना, स्थिर रहना, स्वस्थ रहना, ये काम करो। राम और आत्मा एक बात है। राम से मुलाकात होगी जब सबसे न मिले। सबसे न मिलने का लक्षण अर्थ है सब में आसक्त ना हो। किसमें आसक्त हो रहे हैं? क्या आपका है? क्या इस जीवन से सीख नहीं मिली है? बचपना आपका रहा? शिशपना का तो याद नहीं, बचपना की तो याद है, मुझे तो बचपना की याद है। मैं गांव के पश्चिम गांव में ही, गली में ही, घर के पास गली में खड़ा था। क्या मेरी उम्र होगी आप इसी से अंदाज लीजिएगा, मुझे ख्याल नहीं है। आगे दिखाई देता था खेत, और खेत में कोई जैसे 18 वर्ष का युवक हो, वो अपने बाएं हाथ के तरफ चल रहा था, सीधे नहीं चल रहा था, बाएं हाथ के तरफ, और उसका मस्करापन रहा होगा। मैं भयभीत हो गया कि ये प्रेत होगा, प्रेत सुन रखा था लोगों से, तो मैं भगा, दिन की बात थी, और घर में घुस गया और माता से कहा, माता वो प्रेत चलता था और बाएं तरफ चलता था, ऐसे ऐसे चलता जा रहा था। तो माता हंसने लगी, अब क्या उम्र होगी? वो कहाँ रहा समय? जवानी आई वो चली गई, अब तो हमारे शरीर को बूढ़ा कहना चाहिए क्योंकि 74 चल रहा है और ये भी नहीं रहेगा, आजकल में खत्म हो जाने वाला, 8वां दशक चल रहा है, 8वां दशक जीवन का आखिर माना जाता है आजकल। और इतने दरमियान में कितने लोग मिले जिन माँ बाप ने इस शरीर को जन्माया हुए नहीं है, जिन सगे संबंधियों मित्रों के बीच में रहे उनमें अधिकतम नहीं, जिस घर द्वार में जन्मे वो घर द्वार उस ढंग से नहीं, बदल गया, गलियां बदल गई, स्थितियां बदल गई, साधु मार्ग में आए, गुरु जी के दर्शन हुए, गुरु जी की शरण में हो गया, संत मिले, सदगुरु और संतों की कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मैं उनका उपकार अनंत अनंत मानता हूं। सदगुरु न मिले होते, ये संत जन न मिले होते तो हम भटकते होते। हमारे दहने श्री निहाल साहब बैठे, हमारे बड़े गुरु भाई, मेरी उम्र 18 वर्ष की थी, उसके अनुसार आपकी उम्र 22-23 की होगी या जो हो, ज्यादा थे। बढ़ारा आश्रम पर आया पिताजी के साथ, पिताजी पूछ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, आप बड़ी सावधानी से बोल रहे थे, तो मैं कल्पना करूं, हे भगवान, ये कबीर पंथी अवतार नहीं मानते हैं, दीवार पर एक चेहरा अभी अभी प्रकट कर दो तो ये जान लेंगे कि अवतार होता है। मैं मन में कल्पना करूं ये लोग अवतार नहीं मानते, और मैं खूब अवतार को मान रहा था और जप रहा था खूब, तो हे भगवान,
एक अवतार दीवार में ऐसे दिखा दो तो ये कबीरपंथी लोग जान लेंगे। मैं तो बोल नहीं सका, पिताजी बोलते रहे, बातचीत करते रहे। जब चले तो मैंने कहा, ये संत तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, इनको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो मानते हैं असली भगवान मानते हैं। हमने कहा अच्छा, तो द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत कहा है तो मैं उतना समझ नहीं पाऊं। वो सब कुछ नहीं रहा। हमारे गुरु जी का शरीर छूटे काफी दिन हो गए, करीब 8 हो रहे। हमारे गुरु भाइयों में केवल 2 गुरु भाई बचे हैं, सौभाग्य से दोनों दर्शन दिए हैं। एक बैठे हैं श्री निहाल साहब, एक श्री विमल साहब, बस 2 गुरु भाई बचे हैं पुराने, और कोई नहीं। यहां आए 30वां वर्ष हो रहा है, यहां भी कितने आए और गए, कितने भक्तों में घूमता हूं, घरों में जाता हूं, मेरा निवास होता है, कमरा होता है, वहां की वस्तुएं होती हैं, गलियां होती हैं, सड़कें होती हैं, सब खो जाती है। जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं रहता है, स्वप्न में जागृत नहीं रहती, सुसुप्त में दोनों नहीं रहते। मैं रहता हूं सब समय। जो सब समय रहता है वही राम है, वही आत्मा है, वही आपका होना है, आपका अस्तित्व है। उसमें रहें और उसमें तब रहेंगे जो मिलने वाली चीजें हैं, इनमें अनुराग न करें, इनमें मोह न करें, इनमें शुद्ध बर्ताव करें। बाहर मन फंसाएंगे, भीतर में प्रवेश नहीं हो पाएगा, पक्का समझ लो। मन हमारा जितना बाहर फंसा रहेगा, भीतर प्रविष्ट हो नहीं सकता। बाहर का मोह भीतर प्रविष्ट होने में भयंकर बैरियर है। आपने मोह करके आज तक क्या पाया, हमने क्या पाया, हम और आप सब दुख पाए। दुनिया दुखों से भरी है, सारी चीजें बदलने वाली है, मनुष्यों के शरीर बदलने वाले हैं, मन बदलने वाले हैं, अनुकूल प्रतिकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल अनुकूल हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, मध्यस्थ हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। काल रातिन सब कुछ को निरंतर पीसता है। हमारे चारों तरफ केवल धूल का अंबार है, शरीर धूल, प्राणी पदार्थ धूल, सब धूल धूल। कुछ दिन के बाद वो धूल होकर के रहेगा, आज समझ में नहीं आता। हमारा शरीर मिट्टी और धूल है, इसको पहले से देखें, यही होना है। और जब हो गया तब देखने की क्षमता नहीं रहेगी। जो पहले देख लेता है वो राम से मिलता है। जो बाहर उदास हो जाता है उसके अंदर में ज्योत जगती है। वेद के ऋषि ने कहा, हिरणमयन पात्रण सत्य श्यापित मुखम तत्त्वम पूषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरणमयन पात्रण सोने के बर्तन से सत्य श्यापित मुखम, सत्य का मुख अपहित ढका, तत्त्वम पूषण पावरण, पूषण जो सबका पोषण करे वो पूषण है। सूरज को पूषण कहते हैं क्योंकि वो सबका पोषण करता है, अपनी किरणों से पानी को सोख कर आकाश में ले जाता है, बरसाता है, तो सबका पोषण होता है और सृष्टि की सारी वस्तुओं को अपने प्रकाश से मजबूत करता है, स्वस्थ करता है। इसलिए सूरज को राधापति कहा गया है वेद में। राधा का मतलब है धन, राधापति सूर्य है, पूषण सबको पोषण करने वाला। लेकिन इस शरीर में पोषण कौन है? आत्मा। यही ज्ञान विज्ञान का पोषण करता है, सारा ज्ञान विज्ञान इसी से उद्भव है। तत् तम पूषण अपावरण, तत् उसे, उस सोने के बर्तन को, तुम तू पूषण अयात्मा अपावरण हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए।
हमारा सत्य और धर्म चमक दमक से छिपे हैं। चमक दमक ये जो बाहर की चीज, मकान, जमीन, प्राणी पदार्थ, आश्रम, गृहस्थ विरक्त दोनों के लिए बात एक है, दो नहीं है। गृहस्थों का घर परिवार, साधुओं का मठ आश्रम और समाज, दोनों जगह बंधन है। गृहस्थ लोग घर में मोह करेंगे तो बंध जाएंगे, और हम लोग आश्रम में मोह करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। गृहस्थ लोग बाल बच्चों में मोह करेंगे तो बंध जाएंगे, और हम लोग शिष्य में मोह करें तो मुक्त नहीं होगा, हम भी बंधेंगे। कानून सब पर बराबर है, प्रकृति का विधान दो नहीं, सबको सावधान रहना है। यहां किसी का कुछ नहीं, यही परम सत्यता है। पूरे जीवन में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। जो मिलता है अनुकूल मिलता है, प्रतिकूल मिलता है, उसमें राग होता है, द्वेष होता है, और इसी का जखीरा, संस्कारों का जखीरा समूह मन में इकट्ठा हो जाता है, और कांटे के समान रात दिन गढ़ता है। बड़े बड़े संपदाशाली, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े राजनेता कोई भी हो, चाहे स्वामी जी हो और चाहे राजनेता जी हो, जीवन भर का जो कुछ उन्होंने परिश्रम करके संग्रह किया है वो क्या है? बाहर का माटी गोबर है, पूरा संसार माटी गोबर है और कुछ नहीं, केवल मिट्टी मिट्टी, और उसी को हमने धन माना है, उसी में मन लगाया, उसी में आसक्ति बनाई है, और उन्हीं के संस्कारों का संग्रह मन में इकट्ठा है जो कांटे के समान चुभता है। रात दिन अनुकूल प्रतिकूल के द्वंद में जीव ग्रसित, कब इसको चैन मिलता है? कौन हासो किमानंदो निच्चम पच्चलिते सति अंधकारे नोनद्धा प्रदीपम न गवेश्यत। तथागत बुद्ध कहते हैं, कौन हासो, क्यों हंस रहे हो, किमानंदो, क्या आनंद आन रहे हो? निच्चम पज्जलिते सति, निरंतर काल की आग धधक रही, धधक रही मरघट की ज्वाला, जिसमें सब भस्म हुए हैं, कोई बचा नहीं, जो हैं वो बचेंगे नहीं। अंधकारेन अनद्धा, अंधकार से तुम घिरे हो, प्रदीपम न गवेश्यत, प्रकाश नहीं खोजते हो, कब खोजोगे, कब अपने आत्मक कल्याण करोगे? तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। राम जी कहते हैं कि तुम लोग सबसे मिल रहे हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, सबको छोड़ दो तब मैं मिलूंगा। तो छोड़ के कहां जाओगे? हम लोग छोड़े तो बहुत बड़े समाज में पड़ गए, जहां शरीर जन्मा था वहां गिन करके, उंगली पर गिन करके लोग थे, अब मैं गिन नहीं सकता हूं। कहीं सर्विस करता होता तो रिटायरमेंट हुए 14 बरस हो गए होते, बल्कि 16 बरस हो गए होते। अब आप लोगों के बीच में आ गया, अभी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, काम और ज्यादा कर रहा हूं, कहां जाओगे? जहां हो वहां समझो कुछ मेरा नहीं। समय सबे भूमि गोपालक है, सब गोपाल की भूमि। ईश्वर भक्त समझता है सब ईश्वर का है, मैं सेवक हूं। गुरु भक्त समझता है सब सदगुरु का है, मेरा कुछ नहीं। अत्यंत उच्च ज्ञानी समझता है सब प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं। गुणा वर्तन तित्तेव यो तिष्ठित नेंगते, ये गीता कहती है। गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझ करके, यो अवतिष्ठित जो स्थित है, निंगते ना इंगते, इंगन नाम कंपन, कांपता नहीं, भयभीत नहीं होता, चिंतित नहीं होता है, उद्वेगित नहीं होता है, अशांत नहीं होता है, ये ज्ञानी का लक्षण है। निर्द्वंद स्थित आ जाना ज्ञान है, कहीं कंपित न होना।
घटनाएं घटेंगी, सामने आएंगी, अनुकूल आएगा, प्रतिकूल आएगा। ज्ञानी पुरुष को गाली दिया गया है, जीवन मुक्तों को गाली दी गई है, निकट के लोग तक गाली दिए, दूर के लोग दिए, दूर के दिए, निकट के लोग भी दिए, नहीं समझ पाए। किसी महापुरुष को समझ पाना बहुत मुश्किल है, कुछ ही लोग समझ पाते हैं, बाकी अनबूझे रह जाते हैं। पास में रहने वाले भी समझने वाले कम हो पाते हैं, मात्रा है कुछ, कितना समझता है, कितना समझता है। इतिहास पढ़ करके जानता हूँ और नज़रों से देख करके भी जानता हूँ। श्री विशाल साहब एक उत्तम आदर्श हमारे सामने रहे, जिसको हमारे सदगुरु भी सदगुरु मानते थे। हमारे सदगुरु अपनी जगह पर निर्मल पुरुष थे ही, जो हमारे परम आधार थे, वो तो है ही है, लेकिन वे भी जिनको गुरु मानते थे श्री विशाल साहब, जो लोग देखे हैं वे जानते हैं, नहीं सुने हैं, विशाल देव परम आदर्श पुरुष थे, कृतार्थात्मा, जीवन मुक्त पुरुष। दूर वाले नहीं समझे, निकट वाले भी बहुत लोग नहीं समझे। इतिहास पढ़ करके देखते, बुद्ध को, महावीर को, शंकर को यानी स्वामी शंकराचार्य को, कबीर साहब को, सब कहाँ समझे। सबको समझाने के चक्कर में न पड़े, समय बर्बाद जाएगा। मुझे लोग समझने बड़े अच्छे साधु हैं, महाभ्रम, अच्छा रहना है, हम समझ लें अपने को बस काफी है। याद आई, एक जगह मैं था, एक प्रदेश में, एक मेरे साधु ने कहा, साहब अमुक बूढ़ा साधु आपको बुरा मानता है, आपकी बुराई करता है, आप उसको समझा दीजिए तो समझ सकता है। तो मैंने कहा वो थोड़ी बुराई मेरी जानता होगा, और जब सारी बुराइयां मेरी जानेगा तो बहुत उसको कहना पड़ेगा। तो कहा तब तो कोई समस्या ही नहीं है, उनके समस्या कहाँ। दो दिन के बाद वो बूढ़ा मिला, कहा साहब आप जाएंगे अमुक दिन तो रास्ते मेरी कुटिया पड़ती है, वहाँ थोड़ा बैठ लेंगे। मैंने कहा ठीक। मैंने ही कहा कि तुम मेरी निंदा करते हो तो क्यों बैठूंगा। मैंने कहा ठीक, गया, खाट बिछाया था, बैठ गया, संतों के लिए भी आसन बिछा दिया था, सब बैठ गए। उन्होंने पूजा की, आरती की, चरणोदक लिया। मैं चरणोदक देना नहीं चाहता, पुराने लोग, कुछ लोग ले लेते हैं, तो चरणोदक लिया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा साहब मेरे कल्याण की कुछ बातें बता दीजिए, तो थोड़ा सा कह दिया, फिर चल दिया। वो साधु जो मुझसे कहा था वहीं खड़ा था, आगे बढ़ा, कहा साहब ये तो भीगी बिल्ली बन गए। मैंने कहा ऐसा ना कहो, उनका विचार, उन्होंने मेरी बुराई की होगी और यहाँ पूजा कर ली, उनका विचार है, उसमें हमें कुछ हान लाभ नहीं। आप सबको समझा करके तब रहनी में रहना चाहते हैं कि आप अच्छे हैं, कोई समझा पाया है। दुनिया में एक व्यक्ति नहीं समझा पाया। गोस्वामी जी का एक दोहा है, अब जस जोग की जानकी, मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाई वो, करस कातबो नान। क्या जानकी जी अबजस के योग थी, और क्या श्री कृष्ण महाराज ने मणि की चोरी की थी, दोनों बातें गलत है। तुलसी लोक रिझाई वो, करस कातबो नान। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया को खुश करना वैसे है जैसे करस कातबो नान, करस नाम खींच करके, नान नाम पतला, कोई खींच करके तकली चलावे और सूत काते जल्दी जल्दी तो महीन सूत नहीं बनेगा। महीन सूत के लिए बहुत धीरज रखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया रुई होती है और बाएं हाथ से उसको संभाला भी जाता है, सूत को बीच बीच में, और काता जाता है, और इस प्रकार धीरे धीरे महीन सूत बनता है। तेज काते और महीन सूत काते ये असंभव है। तैसे सब लोगों को अपने विषय में बता दे कि हम अच्छे हैं ये असंभव है। महाराज राम की निंदा पूरी अयोध्या में हो रही थी, धोबी ने ताना मारा, धोबी की पत्नी रूठ करके चली,
तो कहा जाओ हम राम नहीं हैं कि सीता लंका में रही 22 महीने और फिर ले आए, मैं नहीं रखूंगा। तो किसी से सुने गुप्तचर से राम तो उदास हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं, ये तो छोटे काव्य में पीछे कहा गया। वाल्मीकि रामायण की हकीकत चाहे वो उस ढंग से लिखा गया हो कि वास्तविकता जचे और चाहे घटना हो, लेकिन हृदय द्रावक है। भोजन करके राम जी बैठे थे, शाम का रात में टाइम था, रात का टाइम था। उनके कुछ मित्र थे जो तनख्वाह शुदा थे, उनको तनख्वाह मिलती थी लेकिन मित्र का दर्जा रहता था। वे हंसी विनोद करके उनको खुश करते थे, क्योंकि राजा दिन भर राजकाज में व्यस्त रहता है और उसका दिमाग अशांत रहता है। तो शाम को कुछ हंसी विनोद करके उसके दिल को बहलाने वाला होता था रजवाड़ों के पास, राजों के पास। वे सब मित्र थे, वो उनसे पूछने लगे, राम जी ऋषियों के आश्रम में चौराहों पर, अयोध्या की गलियों में, दुकानों पर, जगह जगह मेरे लिए क्या चर्चा है, मेरी पत्नी के लिए, माताओं के लिए, राजकाज के लिए क्या चर्चा है? मित्रों ने कहा सब चर्चा बढ़िया है, एक चर्चा खराब है, वो हर जगह खराब है कि सीता जी लंका में इतने दिन रहीं रावण के घर, राम ने फिर पत्नी बना लिया, हम लोगों की दशा क्या होगी, हम लोग भी स्त्रियां कहीं भी रहें फिर पत्नी बनाना पड़ेगा। इतना सुन करके राम जी को जैसे सांप छू जाए, और उन्होंने तुरंत कहा सब जाओ, सबको भेज दिया। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण तीनों को बुलाया, कहा देखो मैं कुछ कहने जा रहा हूं, तुम लोग इसमें प्रश्न नहीं कर सकते हो। सुबह लक्ष्मण सुमंत को ले लो, रथ ले लो। सीता कहती थी कि ऋषियों के आश्रम में एक रात घूमने की इच्छा है और ऋषि पत्नियों को कुछ दान करने की इच्छा है, तो तुम ले जाओ, कह दो कि वही घुमाने ले जा रहे हैं गंगा पार, वाल्मीकि का आश्रम जिस वन में है वहां ले जाके बैठा देना और छोड़ देना, और कह देना कि अपवाद के डर से राम ने तुम्हें सदा के लिए त्याग दिया। इसमें कोई उत्तर नहीं देता है और जो घटना घटी बड़ी द्रावक है, वो सब कहने का अवसर भी नहीं। मैंने रामायण रहस्य में लिखा है, निष्कासन उचित है अनुचित है इस पर अब यहां विवरण देने की जरूरत नहीं। बात तो यह है कि अयोध्या के लोग राम सीता को नहीं समझ सके। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में आपको कोई नहीं समझ सकता हो, आपको अमर्श क्यों करना चाहिए? राम को अयोध्या वाले नहीं समझ सके, सीता को अयोध्या वाले नहीं समझ सके। इसलिए सीता भक्त, मैंने सुना है कि सीता भक्त अयोध्या और राम ये दो शब्द नहीं कहते। सीता भक्त का एक संप्रदाय होता है, मैंने देखा नहीं सुना है, उनके सामने कभी कोई अयोध्या कह दे नाखुश हो जाते हैं, मत लो नाम, जहां के लोगों ने हमारी माता को निकलवा दिया। राम कोई कहे तुरंत नाखुश हो जाते हैं, मत यार नाम कहो, हमारी माता को निकाल दिया। अयोध्या के लोग राम और सीता को नहीं समझ सके, अब तो संतोष करना चाहिए। अगर आसपास वाले हमें न समझ सके तो क्यों चिंता, क्यों दुख? अपने को समझो। कबीर सीरीले में बहुत चोटदार बात आई है, जब राजा आया है मिलने और फकीर खड़े खड़े बात हुई है, फकीर ने कहा कि हमारे दिमाग को रोशन कीजिए, कोई ज्ञान की बात बताइए। तो उन्होंने कहा मालिक को आप जानते हैं? तो कहा मुमकिन है, आपको मालिक जानता है बेशक, तो कोई आपको जाने या न जाने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चपरासी सबके लिए 24 घंटे उनका विभाजन करना आपका काम है, किसमें लगाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे,
लेकिन वे भी व्यायाम करने के लिए समय निकालते थे। समय सबके पास है, समय निकालें रोज एक बार दो बार बैठें अलग, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ें, मनन चिंतन करें, मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा संबंध कितना इससे है, कब तक है, इस पर सोचें। रोज रोज अंत का दिन आ रहा है, ज्यों कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौड़ सके तो दौड़। ज्यों कोरी रेजा बिने, कोरी हिंदू जुलाहे को कहते हैं, जुलाहे मुसलमान को कहते हैं, मुसलमान जुलाहा, मुसलमान बुनकर जुलाहा, हिंदू बुनकर कोरी। ज्यों कोरी रेजा बुने, जैसे जुलाहा थान बुनता, रेजा नाम थान, थान कई गज का होता है और उसका ताना रहता है, लिपटा रहता है आगे डंडा में, और बाना दोनों तरफ से एक एक सूत वो डालता है, एक एक सूत पढ़ते पढ़ते 30-30, 40-40 गज का थान बुन जाता है। जो कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर, धीरे धीरे छोर निकट आता जाता है, ऐसा लेखा काल का दौड़ सके तो दौड़। काल का हिसाब ऐसे है, दौड़ना हो तो दौड़ लो, काम करना हो तो कर लो, मौत सबके निकट है, एक दिन मौत सब कुछ छीन लेगी और किसी का कुछ नहीं रहेगा। रामायण की वो कहानी मुझे बड़ी जोरदार लगती, लक्ष्मण को बाण लगा, वो मूर्छित हो गए। समझदारों ने बताया, सेना में डॉक्टर रहते हैं, वैद्य रहते हैं, उन्होंने बताया कि सूर्य उगने के बाद इनकी जान नहीं रह जाएगी, सूर्य उगने के पहले चिकित्सा हो जानी चाहिए, और इसका एकमात्र साधन सुखेण वैद्य के पास है, जो रावण का वैद्य, हनुमान जी उड़े आकाश में और सुखेण वैद्य के दरवाजे पर उतरे। रात का समय था, मसाल जला करके दवाई कूट रहा था बरामदे में, ये पहुंचे बताए। उसने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, दुश्मन के दल में दुश्मन के भाई की चिकित्सा करने में जाऊं, ये कैसे हो सकता है। हनुमान जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा वैद्य के लिए हित और दुश्मन कोई नहीं होता है, वैद्य सबका होता है। सुखेण ने कहा आपका तर्क ठीक है, नीति के अनुसार है, लेकिन जिस तरह युद्ध आमने सामने है, ऐसी अवस्था में दुश्मन के दल में चिकित्सा करने जाना असंभव है। तो कहे नहीं जाएंगे तो हम जबरदस्ती ले चलेंगे। कहे कैसे ले चलोगे, कहे देख लो, कहे कैसे ले चलोगे। हनुमान जी बरामदे से कूदे नीचे और नींव में हाथ डाले और पूरा मकान चरचरा के उखाड़ लिए। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, वो करते रह गए, लेके उड़ गए और बेचारे हाँ 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 करके कूदे तो गिर के मर जाए, तो फंस गए। ये काव्य है, ऐसा होता नहीं, लेकिन मौत इसी ढंग से आएगी, आएगी कहेगी चलो, आप कहेंगे अभी कुछ काम बाकी है, वो कहेंगे नहीं, आप कहेंगे भाई नोटिस देते काम कर लेता, वो कहेगी मैंने कई नोटिसें दी हैं, बाल पकने लगे हैं, दांत उखड़ने लगे हैं, चाम में सिकन आई है, कई नोटिसें मैंने दी, अब वारंट है। और मौत ले चलेगी, आप हाँ हाँ करते रह जाएंगे, अब उस दिन कुछ करते धरते नहीं बनेगा, इसलिए पहले का साहेब कहते हैं तब चेति हो जब तचि हो प्राणा, भयान तब मन पछताना, तब चेतोगे जब प्राण छोड़ोगे तब तो मूढ़ बन जाओगे और पश्चाताप होगा और मर जाओगे। जगने की जरूरत है, समय जितना बाकी है साधना में लगाओ, गृहस्थ विरक्त सब, राम रहस्य साहेब ने गृहस्थ विरक्त सब के लिए कहा है, दोनों को बंधन बताया है, दोनों
के लिए बताया है शुद्ध पारखी संत, दोनों के कल्याणदाता हैं, गृहस्थ विरक्त दोनों के। हम लोग घर छोड़ करके कपड़ा पहन लिए तो इससे साधु नहीं हो, ये कपड़ा साधु का वेश है, साधुता का लक्षण साधुता नहीं है, ये हम लोगों का कपड़ा साधु का लक्षण नहीं है, साधु कपड़ा है। साधु का लक्षण है क्षमा, गम, संतोष, धीरज, शील, विचार, निज दोष दर्शन, परदोष दर्शन न करना, वैराग्य ज्ञान भक्ति में रमना, आत्मा में रमना, ये साधुता का लक्षण है। वेश बनाने में कुछ देर नहीं लगती, साधु वेशधारी हो गृहस्थ हो, दोनों का बंधन वैसे ही, दोनों को अपना बंधन काटना है। इसी जीवन में रहते रहते चित्त विश्राम पा जाए, चित्त में उद्वेग ना हो, अशांति ना हो, पीड़ा ना हो, ऊंच नीच स्थितियां आए सबको धीरज से सह ले, उसमें व्याकुल ना हो, उद्वेगित ना हो, शांति बनाए रखे और सबकी क्षणभंगुरता निरंतर देखे। उदय और व्यय, तथागत बुद्ध की भाषा में उदय और व्यय, जो उदय होता है उसका व्यय होता है, उदय होना निर्मित होना, व्यय होना नष्ट होना। नित उत्पत्ति नित परलय हुई, साहब ने कहा उत्पत्ति परलय देव देखाई, करहु राज सुख बिल सहु जाई, आओ मेरे पास मैं तुम्हें उत्पत्ति प्रलय दिखा दूं, फिर तो राज्य करो सुख भोगो। उत्पत्ति प्रलय को जो देखता है वो दुनिया में मोह नहीं करता, सब कुछ बनता है बिगड़ता है, यही स्वभाव है, क्षण क्षण बनता बिगड़ता है, शरीर में कण मिलते हैं और निकल जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। रासायनिक दृष्टि हमारे पास होती तो हम देखते कि ये सामने का खंभा कांप रहा, इसमें हजारों कण मिल रहे हैं और हट रहे हैं, हर पदार्थ के कंपन को हम देख पाते, सब कुछ धूल माटी। अपना नाम का पदार्थ तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है, अपना तो स्वयं आत्मा है, स्वसत्ता है, शुद्ध चेतन तत्व, जो आपका अस्तित्व है वही राम है। और उसमें विश्राम तब मिलेगा जब सबसे न मिलेंगे, किसी से न मिलेंगे, यानी किसी में मोह नहीं करेंगे, केवल सेवा करना, लेना देना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। मेरे शरीर की रक्षा अनेकों के द्वारा होती है, मेरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों की उन्नतियों में हजारों हजारों लाखों लाखों हाथ हैं, इसलिए हमें भी कुछ सेवा करना चाहिए। दूसरे द्वारा हम उपकृत हैं, इसलिए हमें भी सेवा करना चाहिए, सेवा कर्तव्य है, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, कहीं गांठ बांधना नहीं, कोई मुझे बुरा कह दिया उसकी समझ है, कोई भला कह दिया उसकी समझ है, हाँ ज्यादा खुराफात है तो वहां से हट के रहा जाता है, कांटा है तो पैर वहां न रखे, अलग से चला जाए, आग है कीचड़ है गड्ढा है संभाल के चले, लेकिन वैर कहीं नहीं, मोह कहीं नहीं। अपने मन को जो रागत द्वेष से निकाल लेता है वो राम से मिलता है। जैसी कहे करे पुनि तैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, ये विधि आप संवारे। साहब कहते जैसे कहे वैसे करे, वैसे करने के लिए जरूरी क्या है, राग द्वेष निर्वार है, मन में जो राग बनता और द्वेष बनता वो बनने न पाए, बन गया है तो काट दो, बनने न पाए, चित्त को एकदम न्यूट्रल रखो, साफ निष्पक्ष, निष्पक्ष और निर्मल मन में आत्माराम का रमण होता है। निष्पक्ष निर्मल होने मतलब बेवकूफ बनना नहीं, संग कुसंग का ध्यान न करना, कुसंग का भी सेवन करना, गलत लोगों के भी पास बैठना, ये तो भोलापन है,
संग कुसंग सदैव ध्यान देना होगा, कुसंग से दूर, शुद्ध संग का सेवन, ग्राह त्याज्य को समझना चाहिए, क्या ग्रहण करने योग्य क्या त्यागने योग्य। मनुष्यों का संबंध, पदार्थों का संबंध, चीजों का संबंध, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेक के साथ चित्त अपने आप निर्मल होगा, निर्मल चित्त में राम की स्थित होती है। राम अंतरात्मा है, मेरा अपना चेतन स्वरूप है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्रामा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा। योगी जिसमें रमण करता वो राम है। योगी कहाँ रमण करता है, आत्मा में। योग का अर्थ ही भी योग है। पतंजलि मुनि रुक्ति काव्य पूर्वायत सौ पुंस प्रकृत वियोग योग उत्तते जजा। ये राजा भोज कहते हैं, राजमार्तंड योग दर्शन पर उनका भाष्य है। उसमें उन्होंने लिखा कि पतंजलि महाराज के योग दर्शन की जय हो, जिसमें उन्होंने प्रकृत पुरुष के वियोग को भी योग कहा। योग क्या है, पुरुष का प्रकृति से बिछुड़ जाना। पुरुष चेतन, पुरुष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो आत्मा पुरुष है, और प्रकृति जड़ है जो दृश्यमान है। ये दृष्टा दृश्य में उलझ करके दुख पाता है, दृष्टा दृश्य बिछुड़ जाए, दृश्य का त्याग कर दे, मोह का त्याग कर दे, तब उसका कैवल्य होता है। गीता ने भी कहा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग योग कहलाता है। दुख संगीतम, दुख संज्ञा, दुख यानी योग संज्ञा, योग संगीतम, योग संज्ञा, योग नाम किसका है? दुख संयोग वियोग, दुखों के संयोग का वियोग हो जाना योग कहलाता है। तो सब में हम मिल रहे हैं, सब में आसक्त हो रहे हैं, और जिसमें आसक्त हो रहे हैं झूठ है। उस झूठाई को हमने बहुत कुछ देख लिया है, फिर भी होश नहीं है, तो कौन होश करेगा, कौन लाएगा? जगने की जरूरत है। स्वाध्याय करें, सेवा करें, साधना करें, एकांत सेवन करें, समय समय से आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, अपने को संभालें, अपने मन को बार बार आत्मा में स्वरूप में लगा करके स्वरूप शांति की प्राप्ति करें। इसी के लिए सद्गुरु का ये निर्देश है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोर। ऐ लोगों, तेरे दरवाजे पर राम खड़े हैं, उनसे मिल लो। लेकिन तुम चाहते हो कि और अंदर आ जाएं, तो राम कहते भाई तुम सबसे मिल रहे हो, मैं और आगे नहीं आऊंगा, सबसे मिलना छोड़ दो, तो मुझसे मिलो। ये अलंकारों का रूप अर्थ इतना ही है कि आपका स्वरूप राम है, और जब हम बाहर अपना मन फंसाएंगे तो राम में कैसे रमेगा। मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे भी से कमाओ। इसलिए मन को सांसारिकता से हटा करके आत्मा राम में लगाएं। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। माइक हटाओ। आप सभी से एक निवेदन है कि गुरुदेव जी यहां से प्रस्थान करेंगे, और इस परिसर से जब अपने परिसर में पहुंच जाएंगे तभी आप लोग उठेंगे। रास्ते में भीड़ लगा देंगे, चलना कठिन हो जाएगा गुरुदेव जी का, इसलिए सभी लोग बैठे रहें। गुरुदेव जी के जो विचार अभी आप लोग श्रवण किए हैं, ये सब पुस्तकों में और विस्तार से है। कई पुस्तकें यहाँ, जो पुस्तकें यहाँ लगी हुई हैं उससे बहुत लोग परिचित हैं। नए प्रकाशन के विषय में भी वहाँ चार्ट टांग दिया गया है, आप लोग स्वयं वहाँ जा करके पता करें। बीजक व्याख्या, बीजक की एक साखी, अभी आप लोग गुरुदेव जी बीजक की एक साखी पर विस्तृत विचार दे रहे थे,
आप उसे और विस्तार से, दो खंडों में व्याख्या है, आप संपूर्ण विचारों को कबीर साहब जी के जानने के लिए बीजक व्याख्या अवश्य पढ़ें।